गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। दोस्तों, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पुराने PDF भी मिल जाएंगे। तो आइए आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप को देश का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर का बडगांव जिला देश का टीबी मुक्त होने वाला प्रथम जिला बन गया है। कौन सा जिला बन गया है? प्रथम। और दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी वैक्सीन पर 5वें वर्चुअल ग्लोबल फोरम को भी संबोधित किया है। और केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी रोग से देश को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति नामक एक मिशन भी शुरू किया है और इस मिशन का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व के सामने पेश भूखमरी और बहुत सारी बीमारियों की समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। दोस्तों, स्कॉटलैंड में इस बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन से पहले इस महीने 22 से 24 अप्रैल तक आयोजित होने वाली जलवायु परिवर्तन पर एक शिखर वार्ता की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। और दोस्तों, इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें भारत भी शामिल हो रहा है। और दोस्तों, COP26 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा और इसे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में नवंबर में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। आइए ग्लासगो की स्थिति मैप पर देखते हैं। तो ये है ग्लासगो और ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं जिसमें आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड है। और दोस्तों, ग्लासगो शहर जहाज के निर्माण में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, समाचारों में रहे द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट प्रकाशित की है। दोस्तों, इस प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2020 सबसे गर्म दशक रहा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, साहसिक खेल संस्थान किस राज्य में खोला गया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी झील के किनारे साहसिक खेल संस्थान शुरू किया गया और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तथा केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। और दोस्तों, ये है टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बारे में बात करते हैं तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसे उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। और दोस्तों, इसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट, माउंट अन्नपूर्णा की चोटी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है प्रियंका मोहिते। दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा की चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इससे पहले 2019 में माउंट मैकालू को फतह करने वाली यह पहली महिला बनी थी। और दोस्तों, बात करते हैं माउंट अन्नपूर्णा की, तो यह नेपाल में स्थित चोटी है और यह विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? इसका सही आंसर है UNFPA। दोस्तों, UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड,
यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इस प्रकाशित रिपोर्ट का शीर्षक माई बॉडी इज माई ऑन रखा गया है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में विश्व स्तर पर संवेदनशील वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग आदि के प्रति उभरती चुनौतियों की बात की गई है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्थापना 1969 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। और दोस्तों, यह संस्था भारत में 1971 से कार्य कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों, इसे करेक्ट कर लें, इसका सही आंसर होगा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार रामायण की ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस आयोजन का उद्घाटन संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। दोस्तों, इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी है। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? इसका सही आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड की एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और इस पार्टी ने वर्ष 2019-20 में चुनावी बॉन्ड जिसकी राशि 1 करोड़ थी देने वाले नाम की घोषणा की है और इस दान को हिंडाल्को ने दिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। नेक्स्ट, विश्व अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। पहला अर्थ दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, साथ ही 1970 में ही आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, कौन सा देश वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ स्थित वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी एक कानून पारित किया है। दोस्तों, वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, इंश्योरेंस आदि कंपनियों के लिए इस कानून को बनाया गया है। इस कानून के द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। 2023 में पहला रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों के द्वारा दिया जाएगा। और आइए बात करते हैं न्यूजीलैंड की, इसकी स्थिति मैप पे ये है न्यूजीलैंड, और दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तास्मान सागर अलग करता है और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन है तथा इसकी मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।